और भाई क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद मिले। सब खैरियत है भाई? आप बताओ, आप तो काफी अनफिट हो गए पहले से। क्या करूं यार, एक्सरसाइज करने का या हेल्थ का ध्यान रखने का टाइम ही नहीं मिलता। जॉब, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मैनेज करने में 24 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। भाई फिट रहना इतना टाइम टेकिंग नहीं है। लगता है आपने यूट्यूब पे चैनल नहीं देखा। कौन सा चैनल? ऑब्वियसली लोग मेरे चैनल के बारे में बात कर रहे हैं। हाय, मेरा नाम है राकेश और मैं हूँ फिटनेस कोच। और अब तक आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिल पाता। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग पैसा कमाने, परिवार चलाने और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में इस कदर बिजी हो गए हैं कि हमको हमारी हेल्थ के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा। हमारी हेल्थ बैक सीट पर चली गई है और हमारी हेल्थ लगातार डिक्लाइन होती जा रही है। हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी हेल्थ सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जिस फैमिली की देखरेख के लिए हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमारी हेल्थ ऐसे ही डिक्लाइन होती रही तो हम उस फैमिली पे ही लाइबिलिटी बन जाएं। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी लाइफ का एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट है जिससे लाइफ का हर एस्पेक्ट इंप्रूव होता है। फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, लाइफ की डेली फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, डिजीज प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में फिजिकल एक्टिविटी मदद करती है, एजिंग स्लो डाउन होती है, मसल मास इंप्रूव होता है, वेट लॉस के दौरान प्रिजर्व रहता है। इसके अलावा स्लीप, मूड, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और लुक्स इंप्रूव होते हैं फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। इसके अलावा भी एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी एक्सरसाइज को हम अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बना पा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बैरियर्स आइडेंटिफाइड हैं जो हमको रेगुलर एक्सरसाइज करने से रोकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारा एनवायरनमेंट, फाइनेंसेस, नॉट हैविंग इनफ नॉलेज और हेल्प टू गेट स्टार्टेड। इसके अलावा कुछ जेंडर स्पेसिफिक बैरियर्स भी हैं, जैसे कि कुछ बैरियर्स हैं जो सिर्फ वुमेन फेस करती हैं, जैसे कि बॉडी इमेज इश्यूज और सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउ द वुमेन शुड लुक। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बैरियर है जो हमको सबको एक्सरसाइज करने से रोकता है, वो है टाइम। ज़्यादातर लोग यही कंप्लेन करते हैं कि उनके पास रेगुलर एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं वो सारी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिससे आप इस टाइम बैरियर को ओवरकम कर पाओगे और एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना पाओगे। जिन लोगों का ये कंप्लेन है कि वो लैक ऑफ टाइम की वजह से वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, इनमें से मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो टाइम को एज एन एक्सक्यूज यूज करते हैं वर्कआउट ना करने के लिए। असल में हेल्थ इनकी प्रायोरिटी ही नहीं है। ऐसे लोग दिन में 5-6 घंटे रील्स देख लेंगे, ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स से आर्ग्यूमेंट्स कर लेंगे, रात में नेटफ्लिक्स और दिन भर फोन चला लेंगे। अगर इनका स्क्रीन टाइम देखो तो कम से कम 7-8 घंटे से कम नहीं होगा, बट इनके पास खुद के लिए 30-40 मिनट्स नहीं है। अगर आप भी ऐसे लोगों में हैं तो आपको अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। आपको अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट या लेजर टाइम को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दीजिए अपनी लाइफ से। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि आप कहाँ कहाँ से थोड़ा समय बचाकर और वर्कआउट को दे सकते हैं। चलिए अब उन बिजी लोगों की बात करते हैं जो वर्कआउट तो करना चाहते हैं बट वो अपनी लाइफ में इतना हासिल कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़िंदगी की जद्दोजहद में इतना उलझे हुए हैं कि उन्हें वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। इस वीडियो में मैं ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने वर्कआउट को बहुत जल्दी फिनिश कर सकते हैं और जिम में अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं। एविडेंसेस शेयर करने के बाद मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा एंड में जो आपके बहुत काम आएगी और आपकी लाइफ बहुत आसान कर देगी। तो एंड तक इस वीडियो को देखना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन। इस स्टडी का टाइटल ये है, नो टाइम टू लिफ्ट, डिजाइनिंग टाइम एफिशियंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी। इस रिव्यू आर्टिकल में उन स्ट्रेटजीज को समराइज किया गया है जिससे जिम में आप अपना काफी समय बचा सकते हो। पहली स्ट्रेटजी है, वीकली वॉल्यूम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे वीकली वॉल्यूम का मतलब है कि स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी के लिए एक वीक में आपको पर मसल ग्रुप किसी एक्सरसाइज के कितने नंबर ऑफ सेट्स करने होंगे, और ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक हफ्ते में आप कितनी बार जिम जा सकते हो। बिगिनर्स के लिए मिनिमम वीकली ट्रेनिंग वॉल्यूम बहुत लो होता है जिसको आराम से सिर्फ 2-3 दिन जिम जाके हिट किया जा सकता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको हफ्ते में सिर्फ 4-6 सेट पर मसल ग्रुप हिट करना होगा, जिसके लिए 5-6 दिन जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2-3 दिन जिम जाके आराम से अपना मिनिमम वीकली वॉल्यूम हिट कर सकते हैं और जिम में स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी में उतनी ही प्रोग्रेस कर सकते हैं जितनी कि एक 5-6 दिन जिम जाने वाला बंदा कर सकता है। तो याद रखिए कि मिनिमम वीकली वॉल्यूम हिट करना ज़्यादा जरूरी है ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी से। तो अगर आप एक बिजी इंडिविजुअल हैं तो आप आराम से सिर्फ 2 दिन जिम जाके भी अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कि प्रेफर कंपाउंड एक्सरसाइजेज ओवर आइसोलेशन एक्सरसाइजेज। कंपाउंड एक्सरसाइजेज मल्टी जॉइंट एक्सरसाइजेज होती है, मतलब इनमें एक से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट। आइसोलेशन एक्सरसाइजेज वो होती हैं जिनमें सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि लेग एक्सटेंशन या बाइसेप कर्ल। अब कंपाउंड एक्सरसाइजेज के बहुत सारे फायदे हैं
और उनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें एक एक्सरसाइज में एक साथ मल्टीपल मसल ग्रुप्स ट्रेन हो जाते हैं, वहीं पे आइसोलेशन में आप सिंगल मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं। तो अगर आपके पास जिम में टाइम कम है तो आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए ओवर आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, जिससे होगा क्या कि आप एक ही एक्सरसाइज में मल्टीपल मसल ग्रुप्स को टारगेट करके अपना काफ़ी समय बचा पाओगे जिम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैक स्क्वाट्स करते हो जो कि एक कंपाउंड मूवमेंट है, तो सिर्फ इस एक एक्सरसाइज में आप अपने ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स को एक साथ ट्रेन कर सकते हो। वहीं पे अगर आप इन मसल ग्रुप्स को आइसोलेशन एक्सरसाइजेस के थ्रू ट्रेन करोगे तो आपको हर एक मसल ग्रुप के लिए एक डिफरेंट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे आपको क्वाड्स के लिए लेग एक्सटेंशन, अपने हैमस्ट्रिंग के लिए लेग कर्ल या आरडीएल, या फिर अपने ग्लूट्स के लिए आरडीएल या फिर हिप थ्रस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपका एम है जिम में अपने टाइम को बचाना तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स को प्रेफर करिए। कंपाउंड मूवमेंट्स के इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, ये हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ गेन दोनों में बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है प्रेफर बायलैटरल एक्सरसाइजेस ओवर यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस। दोस्तों, बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें एक टाइम पे सिर्फ एक लिम्ब इन्वॉल्व होता है, इनको यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस कहा जाता है, जैसे कि बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स या फिर 3-point डंबल रोज। इनमें आप एक लिम्ब को पहले ट्रेन करते हो, उसके बाद दूसरे लिम्ब को ट्रेन करते हो रिकमेंडेड रेप्स के लिए। और ऐसी एक्सरसाइजेस जिनमें एक साथ दोनों लिम्ब्स इन्वॉल्व होते हैं, इनको बोलते हैं बायलैटरल एक्सरसाइजेस, जैसे कि बैक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट या फिर बेंच प्रेस। मान लीजिए आपको किसी एक्सरसाइज के 10 रेप्स करने हैं, और अगर आप यूनिलैटरल मूवमेंट्स को चूज करते हो तो पहले आपको एक लिम्ब के लिए 10 रेप्स करने पड़ेंगे, उसके बाद दूसरे लिम्ब के लिए 10 रेप्स करने पड़ेंगे, तब जाके एक सेट कंप्लीट होगा, जिसमें कि ज़्यादा समय लगता है। अगर आप चाहते हो कम टाइम में इसी एक्सरसाइज को करना तो आप बायलैटरल मूवमेंट को चूज करिए, जहां पे आप एक साथ दोनों लिम्स को ट्रेन करके अपना टाइम बचा सकते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल लिफ्टिंग मेथड्स वी कैन यूज एडवांस टाइम सेविंग लिफ्टिंग टेक्निक्स, जैसे कि सुपर सेट और ड्रॉप सेट। तो सुपर सेट और ड्रॉप सेट का यूज करके आप जिम में अपना काफी टाइम बचा सकते हो। अब ये होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं सुपर सेट की। तो ट्रेडिशनल लिफ्टिंग मेथड्स में मान लीजिए कि आपको दो एक्सरसाइजेस करनी है, एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी, और दोनों के 3-3 सेट करने हैं। तो आप पहले एक्सरसाइज ए स्टार्ट करोगे और पहला सेट करने के बाद आप रेस्ट लोगे, उसके बाद आप दूसरा सेट करोगे एक्सरसाइज ए का, उसके बाद फिर से रेस्ट लोगे, उसके बाद तीसरा सेट, और इसी तरह से आप फिर एक्सरसाइज बी स्टार्ट करोगे, फिर उसके 3 सेट के बीच में आप रेस्ट पीरियड लोगे। सुपर सेट में हम दो एक्सरसाइजेस को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी करने वाले हो तो एक्सरसाइज ए का पहला सेट और एक्सरसाइज बी का पहला सेट बैक टू बैक होता है। इनके बीच का रेस्ट पीरियड या तो एकदम मिनिमम होता है या बिल्कुल नहीं होता, और फिर उसके बाद रेस्ट लेने के बाद हम एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी का दूसरा सेट करते हैं, वो भी बैक टू बैक। इस टेक्निक से रेस्ट पीरियड रिड्यूस हो जाता है और जिम में हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम जिन दो एक्सरसाइजेस को कंबाइन कर रहे हैं वो डिफरेंट मसल ग्रुप्स की हों। जैसे कि हम बैक और चेस्ट को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं, बाइसेप और ट्राइसेप को सुपर सेट में ट्रेन कर सकते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल्स को एक साथ ट्रेन किया जा सकता है, यानी कि वो मसल्स जिनके फंक्शंस अपोजिंग होते हैं। ड्रॉप सेट में हम किसी भी एक्सरसाइज के सेट्स के बीच के रेस्ट पीरियड को हटा देते हैं और सारे सेट्स को बैक टू बैक करते हैं, और जिस वेट से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेट में 15-20% वेट को रिड्यूस कर देते हैं, और ऐसा ही हम सारे सेट्स में वेट को रिड्यूस करते चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 15 kg डंबल के साथ आपने बाइसेप कर्ल स्टार्ट किया, तो पहला सेट खत्म होने के तुरंत बाद आप एक लोअर वेट यानी कि 12 kg से ही दूसरा सेट स्टार्ट करोगे, उसके बाद जैसे ही दूसरा सेट खत्म होगा आप तीसरा सेट और वेट रिड्यूस करके 10 kg या 7.5 kg से स्टार्ट करोगे, और ऐसे ऐसे करके आप अपना ड्रॉप सेट कंप्लीट करोगे। तो ये भी एक टेक्निक है जिम में टाइम रिड्यूस करने की। नेक्स्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, स्किप टिपिकल लॉन्ग वार्मअप्स एंड पोस्ट एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग्स। आज भी लोग जिम में बहुत लंबे वार्मअप करते हैं, वर्कआउट शुरू करने से पहले 15-30 मिनट वार्मअप करते हैं, वर्कआउट खत्म होने के बाद पोस्ट एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करते हैं 15-20 मिनट, और उनको ये लगता है कि इससे मसल सोरनेस रिड्यूस होती है, इंजरी रिस्क कम होता है और रिकवरी इंप्रूव होती है। हालांकि अगर हम लेटेस्ट एविडेंस देखें तो लॉन्ग वार्मअप सेशंस या फिर पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग, जिसमें हम ज़्यादातर स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं, इससे ना तो इंजरी रिस्क रिड्यूस होता है, ना मसल सोरनेस में इंप्रूवमेंट आती है, और ना ही ये रिकवरी में हेल्प करता है। तो अगर आप अपने वर्कआउट से पहले बहुत लंबे वार्मअप सेशंस करते हो, उसमें ज़्यादातर स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हो, तो ये नेक्स्ट सेशन में आपके लिफ्टिंग एफिशिएंसी या फिर लिफ्टिंग परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर सकता है। तो अगर आप अपना जिम में टाइम बचाना चाहते हैं तो आप ये टिपिकल वार्मअप सेशंस को स्किप कर सकते हैं,
और वर्कआउट खत्म करने के बाद भी आपको पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अपना वर्कआउट खत्म करके आप सीधे घर जा सकते हैं। टिपिकल वार्म अप सेशंस की जगह आप एक्सरसाइज स्पेसिफिक वार्म अप्स कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप बेंच प्रेस करने वाले हो, तो डायरेक्टली हैवी सेट लगाने से पहले आप पहले बारबेल से कुछ रेप्स करिए पहला वार्म अप सेट, उसके बाद लाइट वेट से एक या दो सेट और करिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने मैक्सिमम वेट तक जाइए। तो यूज एक्सरसाइज स्पेसिफिक वार्म अप्स, स्किप टिपिकल वार्म अप्स एंड पोस्ट वर्कआउट स्टैटिक स्ट्रेचिंग सेशंस। दोस्तों अब मैं कुछ एडिशनल प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो आपकी हेल्प करेंगे अपने जिम सेशन को शॉर्ट रखने में। इसके अलावा लास्ट में मैं एक खास टिप दूंगा, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में एक्सट्रीमली बिजी हैं, जिनके पास 30 टू 40 मिनट्स हफ्ते में एक या दो दिन जिम जाने का भी टाइम नहीं है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों मेरी पहली एडिशनल टिप है, डोंट चेक योर फोन ड्यूरिंग योर वर्कआउट। मैं अक्सर देखता हूं कि जिम में लोग वर्कआउट सेशन के दौरान अपना फोन बार बार चेक करते रहते हैं, तो इसको मिनिमाइज करके आप जिम में टाइम बचा सकते हैं। अपना फोन साइलेंट पे रख लीजिए और वर्कआउट खत्म करने के बाद ही यूज करिए। दूसरी प्रैक्टिकल टिप ये है कि अवॉइड चिट चैटिंग इन द जिम। दोस्तों हम अक्सर जिम जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, वर्कआउट पार्टनर के साथ, या फिर हम जिम जाते जाते वहाँ पे भी बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, ट्रेनर से हमारी दोस्ती हो जाती है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अक्सर जिम में बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, जिसकी वजह से उनका जिम सेशन अननेसेसरी लॉन्ग हो जाता है। तो इसको अवॉइड करके आप जिम में अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। तीसरी प्रैक्टिकल टिप ये है कि जिम जाने से एक दिन पहले अपना जिम बैग और जिम क्लोथ्स रेडी रखिए। यह आपको कंसिस्टेंट रहने में तो हेल्प करेगा, साथ में ही आपके जिम जाने के पहले की प्रिपरेशन को शॉर्ट कर देगा और आपका जिम सेशन का टाइम बचेगा। ये बहुत यूजफुल टिप है, इस टिप को लाइटली मत लीजिएगा। इसके अलावा मेरी नेक्स्ट टिप है कि टाइम योर रेस्ट पीरियड। मैंने देखा है कि अपने वर्कआउट के सेट्स के बीच में लोग रेस्ट पीरियड्स को टाइम नहीं करते हैं, और कभी कभी ये रेस्ट पीरियड्स अननेसेसरीली बहुत लंबे हो जाते हैं। तो अपने रेस्ट पीरियड को टाइम करिए और उतना ही रेस्ट पीरियड लीजिए जितना रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप कंपाउंड एक्सरसाइज करते हैं तो 3 से 5 मिनट इनफ है आपके रेस्ट पीरियड के लिए। अगर आप आइसोलेशन मूवमेंट कर रहे हैं तो 1 से 2 मिनट। इसको टाइम करके आप अपने जिम सेशन को लंबा होने से बचा सकते हैं। मेरी नेक्स्ट प्रैक्टिकल टिप ये है कि गो अर्ली इन द मॉर्निंग और अर्ली इन द आफ्टरनून इफ यू कैन। दोस्तों अगर हम ऑड आवर्स में जिम जाएंगे तो बहुत सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि हमें मशीन्स और डंबल्स फ्री मिल जाते हैं, वरना पीक आवर्स में ये टाइम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि सारी मशीन्स बिजी रहती हैं और एक एक वर्कआउट के लिए हमको बहुत सारा वेट करना पड़ता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, टाइमिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है आपके, तो ऐसे टाइम पर जाइए जब जिम में भीड़ कम हो, ऑड आवर्स में, इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि 1 से 2 दिन जिम जाना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल है और कभी कभी अचानक लाइफ में ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, ऐसे टास्क सामने आ जाते हैं जिसको हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है, और हेल्थ हमारी बैक सीट पर चली जाती है। जैसे कि हैविंग अ बेबी, और अगर आप एक सिटी से नई सिटी पर मूव कर रहे हो, या कोई एग्ज़ाम या असाइनमेंट आ गया, आपकी जॉब बहुत हेक्टिक हो गई, या फिर आपका जिम बहुत दूर है, जिम के लिए जाने के लिए रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे रीजंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको सीडेंट्री बना देते हैं। अगर आपकी लाइफ अभी ऐसे ही हेक्टिक चल रही है और आगे कुछ दिनों तक ऐसे ही चलने वाली है, तो आपको ये समझना होगा कि मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी इज़ बेटर देन नो एक्टिविटी, और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी ही बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकती है आपको। एंड यू कैन ट्राई समथिंग कॉल्ड एक्सरसाइज स्नैक्स। रिसर्चर्स ने रिसेंटली एक्सरसाइज स्नैक का आइडिया टेस्ट करना शुरू किया और इसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट सामने आने लगे हैं। एक्सरसाइज स्नैक शॉर्ट ड्यूरेशन की हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी है, विच कैन बी एज शॉर्ट एज जस्ट 5 मिनट्स। इनिशियल स्टडीज में देखा गया है कि एक्सरसाइज स्नैक कैन रिड्यूस कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, इंप्रूव ग्लूकोज कंट्रोल एंड वैस्कुलर हेल्थ, एंड मिनिमाइज द निगेटिव इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी। अगर आप दिन में बस 3 से 4 बार 5 मिनट के लिए कोई हाई इंटेंसिटी वर्क करते हो, यानी कि दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर आप निकाल लेते हो, तो ये आपको ये सारे हेल्थ बेनिफिट दे सकता है, साथ में प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उससे आपको बचा सकता है। एक्सरसाइज स्नैक्स के बहुत सारे फायदे हैं। इसके लिए कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई जिम का एक्सेस नहीं चाहिए, ये सेफ है तो सारे एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ हैं तो किसी एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो है, ये स्मॉल बिहेवियर चेंज एक लार्ज बिहेवियर चेंज को इंड्यूस कर सकता है। मतलब एक्सरसाइज स्नैक जैसा छोटा बिहेवियर चेंज आपको बाद में रेगुलर वर्कआउट करने के लिए मोटिवेट कर सकता है और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। तो ये छोटा बिहेवियर चेंज बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में। मतलब ये आपको एक सीडेंट्री पर्सन से एक एक्टिव पर्सन बना सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इससे आपको वैल्यू मिलती है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।